मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक इंसान का सपना होता है कि वो लाइफ में कुछ ना कुछ करे, और कई इंसानों का सिर्फ यहीं तक सीमित रहने वाला सपना नहीं होता। उनकी लाइफ में एक सबसे बड़ा एक ड्रीम जॉब होता है। वो हमेशा अक्सर सोते जागते उठते बैठते एक सपना देखते हैं कि मुझे लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें कुछ एक अलग ही एडवेंचर हो, जिससे फील हो सके कि वो एक सोसाइटी के अंदर एक जॉब भी लेकर के जा रहा है। गवर्नमेंट जॉब सब करते हैं, अधिकतर बच्चे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, उनमें से कुछ लोगों को गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा भी हो जाता है, कुछ लोग प्राइवेट जॉब भी एक अच्छे ओहदे पे होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे प्राइवेट जॉब में हो, आप एक हमेशा एक एडवेंचर को मिस करते हैं। और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मन में कहीं ना कहीं वो चीज़ खटकती रहती है कि नहीं यार, मुझे जॉब तो मिल गया, लेकिन जो क्या मुझे करना चाहिए था, क्या वो मुझे मिला है? मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक इंसान चाहता है कि सोसाइटी में एक ऐसा ओहदा पाए जहाँ पे उसे कुछ अलग फील हो, और वो तभी पा सकते हो जब आपके पास कुछ ऐसा आपके हाथ में हो, आपकी लाइफ में। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के अंदर आपके वो सपनों वाली जॉब की बात करने वाला हूँ। आपके अंदर जोश भरना चाहिए, क्योंकि ये जॉब ही एक ऐसी है। मैं उस एडवेंचर वाली जॉब की बात करना चाहता हूँ जिसका आप दिन रात सपना देखते हैं। जब भी आप कोई मूवी देखते हैं, स्पेशली कोई साउथ की मूवी देखते हैं, कोई भी एक ऐसी पिक्चर देखते हैं जिसके अंदर कोई पुलिस का रोल होता है, मैं पुलिस की वैकेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता दूँ कुछ और स्पेशल बात करने वाला हूँ, तो आपके मन में खून खोल उठता है कि काश मैं ऐसी एडवेंचर वाली जॉब में होता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज़ को जानने के लिए आप उत्सुक तो हैं, लेकिन एक चीज़ सोच करके आपके मन में टेंशन हो रही होगी कि यार मैं तो ग्रेजुएट नहीं हूँ, कहीं सर ग्रेजुएशन वाली जॉब ना बता दें, एडवेंचर बोल रहे हैं तो। सर मैं तो ग्रेजुएट छोड़िए, मैं 12th पास भी नहीं हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर 12th पास भी नहीं है, आप ग्रेजुएट भी नहीं है, फिर भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ, ग्रेजुएट और 12th पास है तो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आप 10th पास तो है ही ना। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपनी कुर्सी से चिपक जाइएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, शॉर्ट टाइम में आपको बताऊँगा, लेकिन एक प्रॉमिस कीजिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सभी के साथ शेयर करेंगे, एक लाइक करके और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसकी बाकी डिटेल भी आपको मैं बताऊँगा। इसके लिए आपको इस वीडियो को जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए गाइस, बात करने वाला हूँ कि वो एडवेंचर वाली जॉब क्या है। अब आप खुद सोचिए कि पुलिस लाइन में सबसे ज़्यादा एडवेंचर किस स्टेज में हो सकता है। मैं बताता हूं आपको, आपने नाम सुना होगा आईबी। नाम सुनते ही आपकी एक बार सांसें थम जाती है, धड़कनें बढ़ जाती है। आईबी यानी कि इंटेलिजेंसी ब्यूरो। सर मजाक कर रहे हो क्या? आईबी के अंदर 10th पास वाली वैकेंसी? तो पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि अगर आप 10th पास भी हैं तो इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आपको एडवेंचर वाली जॉब दिला सकता है। आईबी इंटेलिजेंसी ब्यूरो, अभी कुछ ही दिनों पहले एससीआईओ की पोस्ट आई थी, जिसमें कई बच्चे एक अंदर से एक घुटन सी महसूस हो रही थी कि काश वो भी ग्रेजुएट होते, इस पोस्ट को ले लेते। लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ तक पहुँचेंगे, 10th पास करके भी हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, वो बताने वाला हूँ कैसे। अभी जो वैकेंसी आने वाली है वो है सिक्योरिटी असिस्टेंट, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ, 2020 में मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, ध्यान दीजिएगा। तब मैंने एसआईओ के लिए सबसे पहले, आप चाहें तो देख सकते हैं, सबसे पहले फरवरी 2020 में ही इसको लेकर के मैंने घोषणा की थी कि वैकेंसी आएगी, ठीक है? इसकी भी बारे में भी मैंने बताया था, लेकिन कोरोना पैंडेमिक की वजह से ये चीज़ थोड़ी सी डिले हुई है। अब बताऊँगा ये वैकेंसी कब तक आएगी, तो वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। सिक्योरिटी असिस्टेंट, इसको एग्जीक्यूटिव की पोस्ट भी बोला जाता है, ठीक है गाइस? ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसका पेपर पैटर्न क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से पेपर लिया जाएगा, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ, सिर्फ आपको 10th पास होना ज़रूरी होगा। अगर आप 10th पास है, अब कई बच्चे पूछेंगे, सर मैंने ग्रेजुएशन की है, क्या मैं फिलअप कर सकता हूँ? सर मैं तो 12th पास हूँ, क्या मैं भर सकता हूँ? मेरे भाई, आप ग्रेजुएट हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप 12th पास हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप 10th पास तो है ना, तो वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़, जिन्होंने 10th पास जो भी ओपन बोर्ड से है, कैसे भी उसके समकक्ष कुछ भी किया हुआ है, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर एज फैक्टर क्या होता है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये होती है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से, या जो भी उसमें बताया जाएगा, कब से डेट जो है काउंट की जाएगी। अगर आप यहाँ पे एसटी और एससी के कैंडिडेट हैं तो इसमें आपको 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको इसमें 3 साल की छूट मिलेगी, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं तो मे भी हो सकता है वो नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा, उसमें भी आपको छूट दी जा सकती है। अब ध्यान दीजिएगा, अब सबसे बड़ी बात आती है, फीस की टेंशन होती है, तो पहले फीस भी जान लीजिए, कोई बात नहीं। फीस सिर्फ अगर आप जनरल
और OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको ₹50 की फ़ीस देनी पड़ेगी। देखिए, हो सकता है अगर चेंजेज हो तो इसमें थोड़ी फ़ीस ज़्यादा हो सकती है, 100 से ₹150 हो सकती है, लेकिन अभी मैं आपको ₹50 बता लूँ, इसकी फ़ीस यही होती है। बाकी अगर आप STSC, ठीक है, STSC या फिर अगर आप जो भी हैं फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कोई भी फ़ीस नहीं होगी। इस चीज़ का स्पेशली ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ फ़ीस है वो जनरल और OBC के मेल कैंडिडेट के लिए ₹50 की फ़ीस है, बाकी सभी के लिए फ्री है। मैं आपको बता दूं ये एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, तो MHA, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बहुत तगड़ी वाली जॉब है, जो आप सपना देखते हो ना यार, वो पूरा हो सकता है। MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसमें कोई डिले नहीं होता है, किसी का कोई लफड़ा नहीं होता है, आप आराम से अगर प्रिपरेशन करें ना तो अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। अब सबसे बड़े सवाल आते हैं कि सर इसमें पे स्केल क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, वो सारी की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। इसमें कितनी पोस्ट आएगी वो भी बताऊँगा, लेकिन आपको लास्ट तक वीडियो को देखना होगा। एज फैक्टर क्लियर हो चुका है आपका, और जितने से जुड़े वही जितने भी सवाल हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। फीस मैं आपको बता चुका हूँ। एक और चीज़ आपको बता दूँ, आप जहाँ से भी फॉर्म अप्लाई करेंगे उसकी लोकल लैंग्वेज का आपको अनुभव होना जरूरी होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए आप राजस्थान से गुजरात से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ की गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए, क्यों वो आगे बताने वाला हूँ। इसलिए तुक्के में किसी के कहने से फॉर्म मत लगा देना, सोच समझ के ही आप फॉर्म लगाना। बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है। पे स्केल की अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। पे स्केल इसकी 5200 से, ठीक है, 20200 होता है जो ग्रेड पे होता है, वो 2000 होता है, ठीक है। ये जॉब कैसी होती है, इसके अंदर क्या क्या करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें आपको एक अलग से वीडियो मिलेगा, और पहले से वीडियो बनाया हुआ भी है, आप उससे भी जा करके देख सकते हैं, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। लेकिन और ज़्यादा आप करंट में और चीज़ें जानना चाहते हो तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा। ये चीज़ें क्लियर है सभी को, 10th पास है, एज फैक्टर 18 से 27 है, आपको एज फैक्टर का सारा फॉर्मूला बता दिया, फीस बता दी। अब सबसे बड़ा सवाल आपके सामने आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे बड़ा सवाल जो आपके सामने बनेगा कि सर इसमें एग्जाम पैटर्न क्या होता है, वो अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, तो आप एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट अभी आपको बतानी है। इसमें कौन कौन से पेपर लिए जाते हैं, तो IB की जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है एग्जीक्यूटिव की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। ये 3 पार्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है, ठीक है, 3 पार्ट के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है। इस पे ध्यान दीजिएगा, वो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पार्ट होती है आपकी रिटन एग्जाम, ध्यान दीजिएगा, ये रिटन एग्जाम किस टाइप की होती है वो मैं आपको बता दूं, ये MCQ बेस्ड होती है, इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा होता है आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होता है, ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। तीसरा जो होता है आपका जो है वो इंटरव्यू होता है, ठीक है, इंटरव्यू होता है, और PD पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, इसमें इंटरव्यू और PD के से रिलेटेड आपसे कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्व की जाती है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। 3 पैटर्न होंगे इसमें एग्जाम का, पहला होगा आपका MCQ बेस होगी पेपर होगा, दूसरा डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, और तीसरा इंटरव्यू होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो रिटन एग्जाम होगा वो कितने मार्क्स का होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, तो वो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, ठीक है, पहला अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस की, ठीक है, जनरल अवेयरनेस होगा। दूसरा सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो आपका रीजनिंग होगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो आपकी मैथ होगी, और फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो आपकी इंग्लिश होगी। बात समझ में आ रही है आपको यहाँ तक, ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट होंगे, ये 2 घंटे का पेपर होगा लाडलो, ध्यान दीजिएगा, ये 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस होगी वो 40 मार्क्स की होगी, बाकी सभी सब्जेक्ट हैं वो 20-20 मार्क्स के होंगे, टोटल मिलाकर के आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप बात करते हैं, नॉर्मली आपको बताया जाता है कि अगर आप, ठीक है, आपको 35 मार्क्स भी बता देंगे कोई STSC के कैंडिडेट हो, जनरल के हो, तो आपको 40%, कई लोग आपको 30% और 35%, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ये सब बकवास होती है, वो मिनिमम दिखाया जाता है, लेकिन आपको पता है कि मेरिट तो कैसे जाती है, तो ये चीज़ें मैं नहीं बताता हूँ। ये ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, इसकी तैयारी कैसे क्या करनी है अभी से मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। जनरल अवेयरनेस की, ठीक है, डेली आपकी जो क्लासेज हैं वो अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी, जनरल अवेयरनेस अभी से आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर 2019
2020 और 2021 से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 21 का करंट अफेयर अभी तैयार हो रहा है, 19 और 20 की आपको PDF मिल जाएगी सिर्फ 199 रुपये में। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 199 रुपीज़ में। इसके लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 7733943243 पर। अभी जिनको अगर एडवेंचर वाली जॉब चाहिए, तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, नहीं तो किताबों में धक्के खाते फिरो आप, 2 साल का करंट अफेयर ढूंढते फिरना। रीजनिंग की बात करता हूँ गाइस, ये 40 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस, इसमें क्या क्या होगा, करंट अफेयर आएगा, जो आपका इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी सब कुछ आएगा। इंडियन हिस्ट्री की क्लास डेली दोपहर में 2 बजे होती है, वो भी यहाँ पे आपको उसके ऊपर लिंक भी मिल जाएगा, वो क्लासेज भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें भी आप। और रीजनिंग की जो क्लास होती है ये 20 मार्क्स का आएगा, इसकी भी आपको डेली रात को 8 बजे जो अनअकैडमी पर मेरी क्लास होती है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी भी आपको एक PDF मिल जाएगी जो 199 रुपीज़ की अवेलेबल है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इससे बाहर कुछ भी मैटर आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद मैथ 20 मार्क्स का होगा और आपका इंग्लिश है वो भी 20 मार्क्स का पेपर होगा, इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स का होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको मिनिमम STSC के लिए 35 और इसके लिए 40 मान के चलिए, ठीक है गाइज। अब बात करता हूँ सर, डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो पेपर होता है उसके लिए क्या क्या पूछा जाता है। इसको आपको पास करने के बाद में आपका सेकेंड पार्ट आता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो पेपर होता है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं, उसके अंदर क्या पूछा जाता है। कई बच्चों को डर लगता है कि सर हम ये कैसे क्लियर कर पाएंगे, इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, पूछा क्या जाता है सिर्फ आपको वो पता होना चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको लोकल लैंग्वेज का अनुभव होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज कहाँ काम करेगी, जैसे आप राजस्थान से हैं तो आपको राजस्थानी आनी चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज अगर कहीं की, जैसे होता है कि एक जो संविधान के अनुसूची में जिस राज्य की जो लैंग्वेज है, जैसे राजस्थानी लैंग्वेज को उसमें शामिल प्रॉपर तरीके से आपको नहीं मिलता है, तो इसमें आप ये मत सोचिए कि राजस्थानी लैंग्वेज तो नहीं मिलती है, अनुसूची में शामिल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, लेकिन वो भाषा के अंदर तो आती है ना, तो उसमें भी आपको उसका ट्रांसलेशन किया जाता है। इसके अंदर पूछा क्या जाता है, मैं आपको स्पेशली ये चीज़ बता दूँ, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो पेपर होगा उसको समझ लीजिएगा, इसमें 2 पार्ट में होगा ये भी, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो पेपर होगा वो टोटल कितने मार्क्स का होगा, वो 50 मार्क्स का होगा, ध्यान से देखिएगा, माफ़ी चाहता हूँ वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है। पहला तो होगा आपको ट्रांसलेशन ऑफ मैसेज, ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज, जो कि 500 वर्ड्स का होगा, ध्यान दीजिएगा 500 वर्ड्स का होगा, जिसको आपको लोकल लैंग्वेज से, जहाँ से भी आप फॉर्म भर रहे हो ना, लोकल लैंग्वेज से आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करना होगा, ये रिटर्न होगा, ठीक है। पेन कॉपी बेस होगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किस बेस होगा, ये पेन कॉपी बेस होगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको जो है इसको इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, अगर इसमें चेंज होता है तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन ये पेन कॉपी बेस ही होना चाहिए जहाँ तक पॉसिबिलिटी है। इसको लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है। ये कितने मार्क्स का होगा, ये 40 मार्क्स का होगा, ठीक है, सारी चीज़ आपको डिटेल से बता रहा हूँ। दूसरा जो आपका होता है उसमें आपका स्पोकन एबिलिटी देखी जाती है। अब स्पोकन एबिलिटी ये नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्पोकन एबिलिटी में क्या आपसे इंग्लिश बुलवाई जाएगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 10 मार्क्स का होता है टोटल, 40 और 10 कितना होता है, ये 50 मार्क्स का टोटल होता है, डरिए मत, सारी चीज़ बता रहा हूँ। ये स्पोकन एबिलिटी आप जिस लैंग्वेज से, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ से आपने फॉर्म लगाया, वहाँ के लोकल लैंग्वेज आपको बोलनी आनी चाहिए, उसका टेस्ट होगा आपसे बातचीत करके कैसे भी, ठीक है, उस तरीके से। एक होता है ना वो तो इंटरव्यू में होगा जो स्पोकन एबिलिटी, वहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर आपसे इसमें भी इससे रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है। ये टोटल 50 मार्क्स का होगा, इसकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, सभी बच्चों के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 20 मार्क्स है, आपको मिनिमम 20 मार्क्स इसमें से लाने ही होंगे, तभी आप थर्ड राउंड के लिए क्लियर हो पाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर से बता दूँ, डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो पेपर होगा, ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज, इसमें 500 वर्ड्स का होगा, जो लोकल लैंग्वेज से आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा, स्पोकन एबिलिटी का होगा, और जो भी इसमें से 10 मार्क्स का ये अलग से होगा। बात समझ में आ गई, अब हम थर्ड राउंड की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, एडवेंचर वाली जॉब है तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या करना होता है, कौन जॉब होता है, सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। अब पार्ट थर्ड की तरफ आते हैं, इसमें मिनिमम अगर आपके 20 मार्क्स भी आ जाते हैं तो आपको क्या करना होगा, थर्ड राउंड जो होगा वो होगा आपका इंटरव्यू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंटरव्यू यानी कि पर्सनैलिटी,
पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें आपकी बोलचाल, हाव भाव आपको देखा जाता है कि आपके इंटरव्यू में, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी टाइम हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, या अलग से भी रख दिया जाता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उस तरीके से अलग से दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर इंटरव्यू में, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट सामने होते हैं, आप भी जानते हो, उसमें सारी चीज़ें, आपकी डिग्री वगैरह, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आई। ये 3 राउंड होते हैं। और कोई चीज़ बची है जो मैंने आपको नहीं बताई हो, तो स्पेशली इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जो जॉब है इंटेलिजेंसी ब्यूरो, अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर इसमें पोस्ट कितनी आएगी और ये वैकेंसी कब तक आएगी, ये जानना चाह रहे थे ना आप, तो सुनिएगा मेरी बात को। लेकिन हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और हाँ, इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और पहली बार विजिट किए तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी वीडियोज आपको चाहिए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें पोस्ट कितनी आने वाली है। एक्सपेक्टेड पोस्ट की मैं बात करूँ तो 1054 पोस्ट, ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि 1054 पोस्ट आने की पूरी पूरी संभावना है, मतलब 1000 से ऊपर ही होगी। क्लियर है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग आपको डिस्ट्रीब्यूट होकर के मिलेगी। अब ध्यान दीजिएगा, सर ये पोस्ट, ये वैकेंसी आखिर कब तक आएगी, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन ये जानने के लिए आपको यहाँ पे एक कमेंट करना होगा कि क्या सच में आप ये जानना चाहते हो कि वैकेंसी कब तक आएगी। और दूसरी बात एक और मैं आपको बता दूँ, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा कि इसके अंदर क्या करना पड़ता है, ये कैसा जॉब होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना होगा। आप ये मत सोचिएगा कि सर ने तुक्का मारा होगा तो अभी डेट नहीं बता रहे, आप चाहें तो कल ही ये वीडियो को जितना आप सपोर्ट करेंगे, मैं आपको बता दूं, हाँ मैं ये बता सकता हूं कि आज से 3 महीने बाद, ठीक है, आज से 3 महीने बाद, यानी कि मैं आपको एग्जैक्ट डेट भी बताऊंगा, यानी कि अभी क्या चल रहा है, मई जून जुलाई, अब पूरा मत पूछिए यार, ठीक है, सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और एक लाइक और एक शेयर सभी दोस्तों के शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका जितना सपोर्ट होगा वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। इसकी एग्जाम डेट भी, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ एक कमेंट करके इसके लिए डिमांड करनी होगी कि सर हमें बताइए वैकेंसी आखिर कब तक आएगी। तो दोस्तों अभी के लिए इजाजत दीजिए, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।